हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कोलिजन टॉपिक से है। हमसे कहता है एक पार्टिकल जिसका मास m है वो चल रहा है v से, और एक पार्टिकल जिसका मास m बाय 2 है वो रेस्ट पर है। तो इन लोगों के हिसाब से एक पार्टिकल बनाते हैं और u ऑफ a उसका v है और मास उसका m है, ठीक है, ये चल रहा होगा। और एक और पार्टिकल है u ऑफ b जो कि 0 है और मास इसका बोल दिया है m बाय 2। इलास्टिक कोलिजन कर रहा है मतलब रेस्टिट्यूशन 1 होगा। रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको बतानी है, दैट मींस जो लैम्डा का टर्म होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए, यहाँ लिख देते हैं अपन लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। सिंस ये टर्म तो कॉन्स्टेंट है, इसका मीनिंग क्या है कि लैम्डा ऑफ ए डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम बी और वी बी डिवाइड बाय एम ऑफ ए और वी ऑफ ए। पेपर में ये दोनों आप बातें दी हुई हैं, कहीं से अपन को ये मिल जाए तो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये जो रेशियो अपन को पता करना और स्टडी करते हैं इसको अच्छे से। ये दो पार्टिकल हैं, जब ये कोलाइड करेंगे तो कोलिजन किसी भी कैटेगरी का, कैसा भी कोलिजन हो, 1D 2D 3D इनइलास्टिक इलास्टिक, आपको याद होना चाहिए कि हमेशा मोमेंटम क्या होगा वहां पर कंजर्व होगा। तो ये हो गया आपका मोमेंटम की इक्वेशन, वो हो जाएगी इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल चल रहा होगा ये m और v से, और सेकंड वाला क्या है 0, और बाद में हो जाएगा m v a प्लस ऑफ m बाय 2 और ये हो जाएगा v b। मास मैंने यहाँ पे अलग कर दिए हैं, इसको सॉल्व कर लो के तो मिल रहा है अपन को 2 टाइम्स ऑफ v इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v a प्लस ऑफ v b, इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है रेस्टिट्यूशन। तो आप लोगों को रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला या उसके हिसाब से कुछ इक्वेशंस भी आती हैं। तो रेस्टिट्यूशन होता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, किससे वो सेपरेट होता है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक। तो ये तो यहाँ पे 1 लिखना चाहिए अपन को, सेपरेट कैसे करेगा, ये दोनों जब कोलाइड कर जाएंगे तो एक मास ऐसा और ये एक मास ऐसा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बच्चों ये रहा m और इसको ही बोल देना आप लोग m बाय 2, ये हो जाएगा vb और ये हो जाएगा v बे va। सेपरेट करने की करेगा तो v ऑफ b पहले लिखा जाएगा और ये हो जाएगा va। ध्यान रखना इस बात का, सेपरेशन पढ़ रहे हैं अपन। और अप्रोच का मतलब हो जाएगा इन दोनों अप्रोच कैसा हो रहा है, ये तो रेस्ट पर है तो ये टर्म ही अप्रोच कर रही है इसको, तो हो जाएगा ये v माइनस 0, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मिल रहा है मुझे, v इज इक्वल्स टू वी बी माइनस ऑफ वी ए, सबके साथ 2 को रख दो ऐसे करके, और इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, और मैं कहता हूं इन दोनों को भी अपन लोग यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, राइट। इन दोनों में से अपन को v का टर्म एलिमिनेट करना है, तो इन दोनों क्या करोगे, इक्वेटी कर दो ना सीधा सीधा, तो आपको मिल रहा होगा यहाँ से आंसर 2 टाइम्स ऑफ वी बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ वी ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वी ए और ये प्लस ऑफ वी बी, राइट। इसको इधर लेके आओगे और यहाँ करोगे तो हो जाएगा आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा वी बी बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ वी ए। इसको फ्रीज कर लो और इस टर्म को अपन को एट लास्टली यहाँ यूज करना है। तो लैम्डा का रेशो कितना आ रहा है, एम ऑफ बी का मतलब हो जाएगा एम बाय 2 डिवाइड बाय एम, और वी बी बाय वी ए कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक। तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल रहा है यहाँ पे, ये तो आ रहा है 2 अपने पास, और ये हो गया अपना आंसर लैम्डा ए बाय लैम्डा बी विच इज इक्वलिंग 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जा रहा है अपना, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से, ये दो पार्टिकल्स हैं, एक मास m, m बाय 2 ये रेस्ट पर है और बाद में ये वी ए और वी बी पे चलना शुरू हो गए हैं। ये दोनों अपन ने यहाँ से फाइंड करे दो इक्वेशन लिख के, एक रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लिखा गया है और एक मोमेंटम का लिखा गया है, वी बी और वी ए के टर्म निकाल के हमारे फाइनलाइज आंसर ये मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।